गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, येस्टरडे वी हैव कम्प्लीटेड अवर क्वेश्चन आंसर्स। आई होप यू हैव रिटन क्वेश्चन आंसर्स इन योर इंग्लिश फेयर कॉपी। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट वोकैबलरी। सो वॉट वी हैव टू डू इन वोकैबलरी, वीक टू स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। नाउ रीड द फॉलोइंग वर्ड्स, डूएबल, डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल। एज यू कैन सी द फर्स्ट वर्ड इज वीक डिस्क्रिप्शन ऑफ द थर्ड वर्ड, डूएबल, डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल। यहाँ पे उसने करने की कोशिश करी पर वो टफ था और वो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे हम इसको एक्सरसाइज के थ्रू और अच्छे से समझेंगे। पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन द ऑर्डर ऑफ द वीक टू स्ट्रॉन्ग। तो हमें यहाँ पे वर्ड्स को वीक से स्ट्रॉन्ग में जमाना है। सो फर्स्ट वर्ड इज हेजिटेंट, टेरिफाइड, नर्वस। सो यहाँ पे हेजिटेंट का मतलब क्या होता है कि बहुत ही शाय पर्सन, बहुत ही शर्मीला, जो बहुत ही स्लो बात करता हो। टेरिफाइड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा डरा हुआ, और नर्वस का मतलब डरा हुआ। तो अब हम इसे अकॉर्डिंगली जमाएंगे। तो सबसे पहले हम तो लिखेंगे हेजिटेंट, बिकॉज हेजिटेंट का मतलब क्या होता है, बहुत ही स्लोली बोलने वाला पर्सन। उसके बाद हम लिखेंगे नर्वस, नर्वस मतलब डरा हुआ, और उसके बाद हम लिखेंगे बहुत ज़्यादा डरा हुआ, टेरिफाइड। ऐसे हमें इसको जमाना है, हमें सारे वर्ड्स को ऐसे ही अरेंज करना है। अब सेकेंड वर्ड है बिग, ह्यूज, लार्ज। तो सबसे पहले आ जाएगा बिग, बड़ा, उसके बाद आ जाएगा लार्ज, और बड़ा, और ह्यूज, सबसे बड़ा। थर्ड वर्ड इज़ शाउट, विस्पर, से। तो यहाँ पे शाउट का मतलब होता है चिल्लाना, विस्पर का मतलब बहुत धीरे धीरे कान में बोलना, और से बोलना। तो हम यहाँ पे इसको जमाएंगे, सबसे पहले आ जाएगा सबसे धीरे धीरे बोलना मतलब विस्पर, उसके बाद बोलना से, और उसके बाद शाउट सीधा चिल्लाना। नाउ फोर्थ वर्ड इज़ ड्रिजल, पोर, रेन। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले ड्रिजल, ड्रिजल का मतलब छोटी छोटी बूंदें, स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर। पोर का मतलब और थोड़ा वाटर जिसमें कोई भी सामान डूब सकता हो। तो सेकेंड नंबर पे आ जाएगा पोर, थर्ड नंबर पे आएगा रेन, बारिश। नाउ फिफ्थ वर्ड इज़ फ्यूरियस, अपसेट, एंग्री। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा अपसेट, दुखी, उसके बाद आ जाएगा एंग्री, गुस्सा, और फ्यूरियस का मतलब होता है वेरी एंग्री, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा। तो थर्ड नंबर पे आ जाएगा फ्यूरियस। तो आपको ये एक्सरसाइज बुक में कर लेना है मेरे साथ साथ, और उसके बाद आपको इन वर्ड्स को प्रनाउंस करने की प्रैक्टिस करना है। सो फर्स्ट वर्ड इज़ स्नग। तो आपको टू टाइम्स इस वर्ड को बोल के इसका प्रोनाउंसिएशन की आपको प्रैक्टिस करना है। सेकेंड वर्ड इज़ जेनरस, थर्ड वर्ड इज़ ड्रमर, फोर्थ वर्ड इज़ चूल्हा, फिफ्थ वर्ड इज़ ग्रेनरीज, सिक्स्थ वर्ड इज़ ट्रंडलिंग, एंड देन सेवन्थ वर्ड इज़ सहाद्री, एट्थ वर्ड इज़ लेडल, नाइन्थ वर्ड इज़ एबंडेंस, एंड देन टेंथ वर्ड इज़ वैनिश्ड। सो दीज 10 वर्ड्स यू हैव टू प्रैक्टिस हाउ टू प्रोनाउंसिएट इट। जब मैं इसको प्रोनाउंसिएट कर रही हूँ मेरे साथ साथ, आपको टू टाइम्स इसको बोलना है। ये सारे वर्ड्स हमने चैप्टर में ही पढ़े थे, ये चैप्टर के ही डिक्टेशन वर्ड्स हैं जिनकी आपको प्रैक्टिस करना है, और ये एक्सरसाइज आपको बुक में कर लेना है। नेक्स्ट वील कंटिन्यू टुमारो।